हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देंगे। इसके साथ ही पत्नी कल्पना को कमान सौंपने की अटकलों पर अब विराम लग गया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि हेमंत सोरेन की तरफ से विधायकों को रांची के आसपास ही रहने को कहा गया है। और इसमें सवाल ये उठ रहा है कि क्या झारखंड की पिक्चर का क्लाइमेक्स अभी बाकी है? ये हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका लिफाफा मैंने खोला, लिफाफे के अंदर हम लोग को लगा था कि कोई दूसरा नाम तो नहीं है। लिफाफा में 5 साल नहीं 25 साल तक हेमंत सोरेन रहेंगे। मंगलवार को पूरे देश की निगाहें रांची में हो रही विधायक दल की बैठक पर लगी थी। पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की अटकलों के बीच वो अपनी कुर्सी अपनी पत्नी को सौंप सकते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। बैठक में फैसला हुआ कि सीएम हेमंत सोरेन ही रहेंगे। बैठक में सोरेन ने कहा कि किसी भ्रम में मत रहिए कि सीएम और कोई होगा। बैठक से निकले नेताओं ने भी एक सुर में यही बात कही। मैंने पहले कहा था कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका लिफाफा मैंने खोला और लिफाफे के अंदर हम लोग को लगा था कि कोई दूसरा नाम तो नहीं है। अच्छा, लेकिन जब मैंने ही लिफाफा खोला और लिफाफे में साफ नजर आया कि झारखंड का लाल माटी का लाल लिफाफा में 5 साल नहीं 25 साल तक हेमंत सोरेन रहेंगे। झारखंड को जो जिस उद्देश्य से इस राज्य का निर्माण कराया गया, उस उद्देश्य को पूरा करना और मजबूती के साथ सरकार चलाना, और अभी नो वैकेंसी का बोर्ड पूरे झारखंड में लगा है। 2034 तक तो कहीं से कोई जगह नहीं है, न माननीय मुख्यमंत्री के पद के लिए और न ही किसी विपक्ष के। क्या कुछ डिस्कशन हुआ? मुख्यमंत्री रहेंगे क्या कुछ बैठक में? सर बैठक नहीं, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहेंगे। जो JMM कांग्रेस और RJD की जो चर्चाएं थी कि है, हाँ। वो हिमालय पर्वत के तरह एकजुट है, हाँ। कोई नहीं बदला होगा, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहेंगे। हेमंत सोरेन सीएम बने रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सोरेन पूरी तरह से निश्चिंत हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में आए झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी विधायकों को रांची में ही रहने को कहा गया है। हालांकि JMM महासचिव विनोद पांडे इस तरह की खबरों से इनकार कर रहे हैं। क्या विधायकों को एक हफ्ता यहीं रुकने को कहा गया? बिल्कुल नहीं, माननीय विधायक सभी अपने अपने क्षेत्र में, कुछ विधायक तो राज्य से भी बाहर हैं। इस तरह का कोई निर्देश नहीं दिया गया। सभी सदस्यों ने एक सुर में माननीय मुख्यमंत्री के कदम का स्वागत किया है और स्पष्ट तौर पर लोगों ने कहा है कि हम लोग पूरी तरह से एकजुट हैं, आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ें, संघर्ष करें, पूरे सदस्य हम लोग एकजुटता के साथ आपके साथ। सोरेन सरकार में साझेदार कांग्रेस तो कल्पना सोरेन का नाम चलाने के पीछे भी BJP की ही करतूत बता रही है। लिफाफा कौन लेकर के आया था? वो सारे लोग लेके आए थे, लेकिन मैंने लिफाफा खोल दिया। बताइए, ये संशय खत्म करना चाहिए। सोरेन को ये भाजपा की उपस्थिति है, ऐसा कुछ नहीं बने रहेंगे कहीं कोई। कांग्रेस BJP पर तो हमला बोल रही है, साथ ही साथ ED पर भी सवाल उठा रही है। कई लोग भविष्यवाणी करता है, कई लोग मतलब अलग अलग तरह से चीजों को आप लोगों के पास परोस रहे हैं। जब तक बिना एविडेंस पे ऐसी हवाबाजी होती रहेगी, परेशान करने का प्रक्रिया दौर चलता रहेगा, बस विपक्ष लोग को परेशान करने का कोशिश किया जाएगा, तो इस पे हम कोई टिप्पणी देने का, आप भी कोई टिप्पणी नहीं दे पाएंगे। हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाले का आरोप है और ED उनसे इस मामले में पूछताछ करना चाहती है। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 30 किलोमीटर दूर अनगड़ा का इलाका काले पत्थर के लिए जाना जाता है। जमीन घोटाले का खुलासा साल 2022 के फरवरी महीने में हुआ था। तब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा राज्यपाल रघुबर दास ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। इस बीच हेमंत सोरेन के करीबियों के ठिकानों पर पिछले 24 घंटों से लगातार छापेमारी जारी है। रांची में साहिबगंज के आर्किटेक्ट विनोद सिंह के घर ED की टीम प्रिंटर मशीन लेकर पहुंची थी। खबर है कि विनोद सिंह के घर ED की टीम को मनी लॉन्ड्रिंग की अहम ट्रेल भी मिली है। ED की टीम यहां पर आई और प्रिंटर लेकर के गई है। कुछ अहम दस्तावेज निकाले जाएंगे जो ED के पास जानकारी है, और कुछ जरूरी जो तार हैं वो निकल करके सामने आ रहे हैं। विनोद सिंह तो बस एक किरदार है, बल्कि झारखंड खनन घोटाले में ED की आज की छापेमारी ने रांची से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है।
झारखंड खनन घोटाले में ईडी की कार्रवाई सिर्फ झारखंड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सबूतों की तलाश में ईडी की टीम 3 राज्यों के अलग अलग कई शहरों में पहुंच चुकी है। ABP News आपको रखे आगे।